guys, this is Yogesh. Once again, welcome to my channel Nyatavya. पिछले वीडियो में हमने देखा था कि प्रिलिमिनरी डिजाइन में ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम देखा था, हमने पुणे का प्रोजेक्ट लिया था। फिर उस प्रोजेक्ट के हिसाब से अभी हमको आज रिपोर्ट कैलकुलेट करना है। आवरली बेसिस पे टेबल्स एंड ग्राफ भी कैलकुलेट करेंगे। तो प्रोजेक्ट डिजाइन में ग्रिड कनेक्टेड, यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट में हमने पुणे लिया था, तो पुणे। फिर साइट एंड मेटियो आता है। साइट एंड मेटियो मतलब जियोग्राफिकल लोकेशन से जो भी कंट्री रीजन लिया था उसके हिसाब से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अल्टीट्यूड टाइम जोन फाइंड आउट किया था। तो हम मंथली मेटियोलॉजिकल डाटा यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। तो साइट एंड मेटियो पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे कंट्री साइट एंड मेटियो फाइल आया है। मेटियो फाइल पुणे के लोकेशन है, तो पुणे मेटियो फाइल आता है। फिर मेटियो फाइल जो है वो प्रीलोडेड डाटा अकॉर्डिंग टू योर लोकेशन है, मतलब जो भी लोकेशन आपने लिया है उसके हिसाब से ही आपका मेटियो फाइल आता है। तो यहाँ पे हम ओपन पे यही साइट सोर्स कहाँ से लिया, मेटियो नाम, फिर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यहाँ पे दिखाया है। फिर यहाँ पे ग्राफ के जो डाटाज है वो भी दिखाया। ग्राफ्स टेबल में आप जो भी डेली आवरली मंथली चाहिए वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा दिखा रहा है कि दिस मेटियो फाइल सीम्स टू बी ओके। तो यहाँ पे जो ग्राफ्स है वो भी हमको दिखाएंगे। ये जो ग्राफ है वो मॉर्निंग एंड आफ्टरनून आवर्स के हिसाब से पुणियो मेटियो नाम के हिसाब से इंडेक्स दिखाया है। फिर यहाँ पे क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे ओके। फिर यहाँ पे ये जो है वो ग्रीन कलर का आया है, पहले ये रेड था, इसका मतलब ग्रीन कलर्स मीन्स डन हो गया ये। तो मैं अगले वीडियो में आपको ये सब जो ऑप्शन है वो डिटेल में समझाऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ रिपोर्ट और डेली बेसिस और आवरली बेसिस कैसे कैलकुलेट करना है और उसके ग्राफ्स जो है मैं आज उतना ही बताऊंगा। तो यहाँ पे हमें अभी ओरिएंटेशन करना है। तो ओरिएंटेशन में ये सेव हो गया। तो ये फील्ड टाइप जो है फिक्स्ड टिल्टेड प्लेन है। तो टॉप वगैरह मुझे कुछ भी टिल्टेड प्लेन लेना है तो मैं फिक्स्ड टिल्टेड प्लेन पे क्लिक करूँगा। फिर प्लेन टिल्ट है, मैं 30 डिग्री लिया था, अजीमुथ 0 लिया था। फिर यहाँ पे ईयरली इरेडिएशन यील्ड सेलेक्ट किया है, समर टाइम में विंटर टाइम में भी ले सकता हूँ। यहाँ पे मैं ऑप्टिमाइजेशन भी देख सकता हूँ कि मेरा ग्राफ जो है ट्रांसपोजिशन लॉस एंड ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे दिखाता है। फिर मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, मेरा ओरिएंटेशन भी ग्रीन हो चुका है। अभी मुझे सिस्टम में जाके अभी यहाँ पे ग्लोबल सिस्टम कॉन्फिग्रेशन जो है मैं नंबर ऑफ सब अरे जो है मैं 1 सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं कितना भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब फील्ड्स चेंज हो रहा है। तो अभी यहाँ पे ग्लोबल सिस्टम समरी जो है वो दिखाएगा। फिर प्रीसाइजिंग हेल्प में मुझे अगर मालूम है मेरा प्लांट कितना पावर का है और मेरा एरिया कितना है तो मैं ले सकता हूँ, वरना नो साइजिंग पे भी क्लिक कर सकता हूँ। मुझे मालूम है तो मैं सपोज 750 किलोवाट का मेरा पावर प्लांट है, तो मैं 750 किलोवाट पीक एक एग्जांपल से ले रहा हूँ 750। तो फिर सेलेक्ट द पीवी मॉड्यूल मुझे लास्ट यहाँ पे जो है फ्रॉम 2012 दिखाया गया है, क्योंकि ये थोड़ा सा वर्जन ओल्ड है, तो मैं 2012 लेता हूँ। फिर यहाँ पे जो है कौन सा पीवी मॉड्यूल किस कंपनी का है, तो मैं ऑल मैन्युफैक्चरर ले लेता हूँ। तो मेरा पीवी मॉड्यूल जो है प्लांट कैपेसिटी मेरा 750 किलोवाट पीक है, तो उसके अकॉर्डिंग से मैं मेरा पीवी मॉड्यूल कैपेसिटी जो है वो 300 वैट पिक का लेता हूँ। तो यहाँ पे 300 वैट पिक सेलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे 300 का मैं जो भी यूनिटी स्टार यूनिटी का जो वोल्टेज रेंज है उसके हिसाब से अभी मैं यहाँ पे सनटेक का ले रहा हूँ।
तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि अप्रोक्सीमेटली मुझे मॉड्यूल्स 2500 आ रहे हैं। ये कैसे आ गए? तो मेरा प्लान कैपेसिटी था से, यहाँ पे मैं कैलकुलेटर में दिखाता हूँ, 750 किलो वाट, मतलब फिर उसको 300 से डिवाइड किया तो ये देखिए 2500 मुझे दिखा रहा है। ये मेरे नंबर ऑफ मॉड्यूल्स है। फिर जो है VOC मेरा 50 वोल्ट दिखा रहा है। MPP वोल्टेज जो है वो 30 वोल्ट दिखा रहा है। फिर मैंने यहाँ पे इन्वर्टर का साइज सिलेक्शन करना है, तो यहाँ पर मैं 2012 से ले रहा हूँ, और जो इन्वर्टर का जो है वो जेनेरिक सेलेक्ट करता हूँ। तो मुझे इन्वर्टर जो है, तो मैं इन्वर्टर का कैपेसिटी अप्रोक्सीमेटली मुझे 750 किलोवाट पीक के हिसाब से 50 किलोवाट का लेना पड़ेगा, मतलब 62.5 उसका किलोवाट पीक DC में आता है, तो यहाँ पे 62.5। तो यहाँ पे जेनेरिक के हिसाब से मैं ऑल मैन्युफैक्चरर्स ले लेता हूँ, और उसके हिसाब से तो यहाँ पे 50 किलोवाट से भी ले सकते हैं AC का, तो 45 किलोवाट में सेलेक्ट करता हूँ। तो ये देखिए नंबर ऑफ इन्वर्टर्स मुझे 13 लगेंगे। अगर मैंने थ्योरेटिकल भी सॉल्व किया है तो मेरा ये करेक्ट ऑप्शन है, मुझे 13 इन्वर्टर ही लगेंगे। फिर मेरा यहाँ पे इन्वर्टर के हिसाब से ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है वो दिखा रहा है मैक्सिमम वोल्टेज 850 वोल्ट के बियॉन्ड मुझे मॉड्यूल का वोल्टेज नहीं जाना है। तो यहाँ पे मुझे अभी मॉड्यूल्स इन सीरीज एंड नंबर ऑफ स्ट्रिंग सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं 15 से 16 नंबर ऑफ सीरीज ले सकता हूँ मॉड्यूल्स का मेरे, और स्ट्रिंग जो है तो मैं यहाँ पे मेरा 750 किलोवाट कैपेसिटी प्लान के हिसाब से मुझे लेना है। तो मैं यहाँ पे मेरा नंबर ऑफ स्ट्रिंग जो है चेंज करूँगा, तो मुझे नंबर ऑफ स्ट्रिंग कितना लेना पड़ेगा? तो मेरे 2500 ये है मॉड्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स है, और सपोज मैं ईच स्ट्रिंग में अगर 20 लेता हूँ मॉड्यूल्स, तो डिवाइडेड बाय 20, तो 125 मुझे स्ट्रिंग जो है मेरे प्लान के कैपेसिटी के हिसाब से वो मुझे लेने पड़ेंगे। तो 125 यहाँ पे हम 125 अगर 125 के पास, उस वैल्यू के पास अगर चले गए तो ये देखिए, तो ये मेरा ओके है। तो मैं इसको और थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, क्योंकि मुझे ये प्लांट कैपेसिटी मुझे 750 किलोवाट पीक के हिसाब से चाहिए। अभी ये देखिए यहाँ पे बोलता है द इन्वर्टर पावर इज स्लाइटली अंडर साइज, मतलब यहाँ पे मुझे इन्वर्टर का साइज भी चेंज करना पड़ेगा, लेकिन मैंने जो कैलकुलेशन किया है थ्योरेटिकली, तो उसके हिसाब से मैं थोड़ा नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स डिक्रीज कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए 130 भी मेरे लिए ओके है, तो यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देते हैं। ये पूरा जो है ओके हो गया, यहाँ पे ब्लू कलर का आया है, मतलब देर इज अ नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे देखिए सब ग्रीन आ चुका है, मतलब मैंने ये सब मैंडेटरी फील्ड्स क्लियर कर दिया है। तो यहाँ अभी सिमुलेशन कर देते हैं। सिमुलेशन पे ये देखिए यहाँ पे वेरिएंट्स दिखा रहा है, तो ये जो सिमुलेशन डेट है ये आप चेंज नहीं कर सकते, वो मेटियो के हिसाब से ही दिया गया है। तो यहाँ पे सिमुलेशन के क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे ओके, फिर ये देखिए यहाँ पे डेली इनपुट आउटपुट डायग्राम्स जो है ये दिखाएंगे। मैं अगले वीडियो में ये सब रिपोर्ट्स जो है वो डिटेल में बताऊंगा, आज सिर्फ मैं आपको रिपोर्ट्स कैसे कैलकुलेट करना है ये बता रहा हूँ। तो यहाँ पे रिजल्ट्स आ चुके हैं हमारे, तो यहाँ पे हम
रिपोर्ट्स देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी पुणे का प्रोजेक्ट लिया था हमने, तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अल्बेडो, अल्बेडो जो है वो 0.20 आता है। तो 0.20 ये जो है वो सरफेस जो है डिफरेंट डिफरेंट उसके हिसाब से अल्बेडो हम ले सकते हैं। तो अगर हमारा ओपन ओशियन है, फॉरेस्ट है, फिर ग्रास है, डिजर्ट सैंड है, तो उसके हिसाब से ये अल्बेडो चेंज होता है। अल्बेडो का मतलब यही है कि जो भी सरफेस का रिफ्लेक्शन है उसके हिसाब से ये अल्बेडो चेंज होता है। तो वो भी मैं बताऊंगा अल्बेडो क्या कैसे लेना है। तो यहाँ पे पूरा पैरामीटर्स दिखाया गया है, फिर नीचे जो है वो सिमुलेशन वेरिएंट्स दिखाए गए हैं। यहाँ पे जूम इन कर देता हूँ मैं, तो ये देखिए यहाँ पे प्रोडक्शन जो है पर इंस्टॉलर किलोवाट पीक, तो यहाँ पे उसके हिसाब से ग्राफ दिखाया है। फिर यह है न्यू सिमुलेशन वेरिएंट्स जो मेन रिजल्ट्स है जनवरी से दिसंबर तक, और ईयरली इन्होंने यहाँ पे दिखाया है। यहाँ पे ग्लोबल हॉरिजॉन्ट्स हॉरिजॉन्टल का जो भी इरेडिएशन है उसके हिसाब से मेरे मंथली जो भी प्रोडक्शन है वो दिखाया गया है, टेम्परेचर दिखाया है, फिर यहाँ पे अरेज दिखाया है, ग्रिड कनेक्टेड में भी दिखाया है, उसके जो एनर्जी जो है ग्रिड में जा रही है वो भी यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है। फिर नेक्स्ट आता है तो यहाँ पे लॉस डायग्राम जो ओवर ऑल ईयर जो है वो यहाँ पे दिखाया है। मैं अगले वीडियो में ये पूरा आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन समझाऊंगा। तो यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। फिर टेबल्स है, टेबल्स भी आप यहाँ से मेटियो एंड इंसिडेंट एनर्जी टेबल्स देख सकते हैं, ये टेबल्स है। फिर है इफेक्टिव इंसिडेंट एनर्जी है, यहाँ पे आप वो भी टेबल्स कुछ जो भी आपके रिपोर्ट्स है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे एनर्जी यूज एंड यूजर्स नीड कितना है वो भी आप टेबल देख सकते हैं। यहाँ पे एवरी मंथ जो है एनर्जी कितना ग्रिड में जा रहा है वो भी आप देख सकते हैं। तो हर एक टेबल यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर आता है जो ग्राफ्स है वो भी ग्राफ्स आप देख सकते हैं, अलग अलग ग्राफ्स हैं यहाँ पे। फिर जो आवरली ग्राफ्स है वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम क्लोज करते हैं, फिर यहाँ से बैक जाते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि रिपोर्ट्स एंड आवरली टेबल्स एंड ग्राफ्स हमने कैसे निकाले हैं, कैलकुलेट किए हैं। तो अगले वीडियो में मैं आपको ये पूरे जो मैंडेटरी फील्ड्स है मैं आपको ये डिटेल में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।